कौन है फिल्म द गुड महाराजा के डायरेक्टर? कब रिलीज हो रही है फिल्म द गुड महाराजा? बॉडीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर, जो लाइव हूं ध्रुव वर्मा की अपकमिंग मूवी द गुड महाराजा से जुड़े कुछ मजेदार बातें। फिल्म के कार्यकारी निर्माता हितेश देसाई के अनुसार द गुड महाराजा एक वर्ल्ड वॉर टू महाकाव्य में मुख्य भूमिका के लिए अपने दूसरे फिल्म में अभिनेता ने लगभग 20 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन महामारी के कारण आर्थिक मंदी के आलोक में अपनी फीस कम कर दी। उन्होंने अपनी फीस का एक बड़ा हिस्सा कोविड देखभाल सुविधाओं और वृद्ध श्रमों की बेहतरी के लिए दान करने का वादा किया। ध्रुव ने कहा, यह एक गंभीर सच्चाई है और मेरे देशवासियों का स्वास्थ्य पैसे से ज्यादा जरूरी है। द गुड महाराजा 17 दिसंबर 2022 को क्रिसमस के करीब रिलीज के लिए तैयार है। यह फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के इर्द गिर्द घूमती है और नवानगढ़ के शेर दिल वाले भारतीय महाराजा के बारे में एक सच्ची कहानी पर आधारित दूसरी इंडो पॉलिश को प्रोडक्शन बिजनेस है। गुजरात में जामनगर दिग्विजय सिंह रंजीत सिंह जी जडेजा ने युद्ध के दौरान लगभग 1000 पॉलिश बच्चों के पिता बने और उन्हें आश्रय दिया। फिल्म पर और अधिक प्रकाश डालते हुए जिसके लिए शूटिंग और फोटोग्राफी शुरू हो गई है, ध्रुव ने कहा, मैं आभारी हूँ और हम्बल कि निर्माताओं और निर्देशकों ने एक बार फिर मुझ पर विश्वास किया। यह भूमिका मेरी पहली फिल्म से अलग है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार स्क्रिप्ट पढ़ी। जब सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, पोलैंड पर जर्मन और साथ ही साथ रूसियों द्वारा आक्रमण किया गया था। यह फिल्म की टाइमलाइन का हिस्सा है। अभिनेता ने आगे कहा, मैं इस चरित्र की ग्राफ को जानता हूँ और मुझे अपने निर्देशक के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है। मैं रूस में अपने गुरु हॉलीवुड के प्रसिद्ध स्टार स्टीवन सीगल के मार्गदर्शन में वर्ल्ड वॉर टू में इस्तेमाल की गई बंदूकों के साथ एरॉन प्रशिक्षण लेना शुरू करूंगा। G7 फिल्म पोलैंड के देसाई के अनुसार प्रोडक्शन ने द गुड महाराजा के पूरा होने तक दौरान ध्रुव को किसी अन्य फिल्म पर साइन करने का काम करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ध्रुव के बिजनेस मैनेजर आशीष तिवारी ने कहा, भारतीय महाराजा ने पोलैंड के साथ संबंध बनाए, बच्चों में से एक पोलैंड का प्रधानमंत्री भी बन गया है। यह सहयोग मुझे अनुभवी फिल्म निर्माता और अभिनेता राज कपूर के रूस के प्रति प्रेम की याद दिलाता है, जिसकी शुरुआत उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर में हुआ था। और साथ ही साथ इसके साथ ही पोलैंड के साथ हमारे शानदार विकास वर्मा की बॉन्डिंग है। G7 ग्रुप और G7 फिल्म्स के अध्यक्ष निर्देशक विकास वर्मा ने कहा, सिनेमा हमारे समाज को आकार देता है और संस्कृति को उजागर करता है। उन्होंने आगे कहा, मुझे यकीन है कि महाराजा दिग्विजय साहब के परिवार को कोई आपत्ति नहीं होगी। रोमन पोलांस्की प्रसिद्ध पॉलिश फिल्म निर्देशक द पियानो वादक के अनुसार ऑस्कर विजेता को फिल्म में निर्देशन या मार्गदर्शन प्रदान करके लिए संपर्क किया जाएगा। वर्मा ने कहा कि वो अब 87 ईयर्स के हैं और वो साथ ही साथ फुल कॉस्ट के गवाह के रूप में उनके अनुभव इस फिल्म के रियलिज्म की एक एक्स्ट्रा लेयर होगी। उन्होंने कहा, हम इस फिल्म की शूटिंग एक बार खत्म कर देंगे जब ये महामारी का संकट खत्म हो जाएगा और सभी का वैक्सीनेशन हो जाएगा। इसके तुरंत बाद हम नवंबर में अपने सह निर्माण का पहला प्रोजेक्ट नो मीन्स नो रिलीज करेंगे। ये कहानी TNN द्वारा प्रदान की गई है। जी हाँ दोस्तों, ANI इस लेख की सामग्री के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी। खैर, आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, आज की वीडियो के लिए बस नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए अलविदा।